नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूँ जो कि निकल के आ चुका है पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने ही वाला हूँ। सो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूँ तो और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है और वहाँ पर जाके टाइप करना होगा www.meetacademy.in, और वहीं से आप सारे जॉब रिलेटेड अपडेट जो हैं आप ले सकते हैं और चेक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर, और वहीं पे चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी किसी भी नोटिफिकेशन को लेके या कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं, मैं आपके लिए सभी तरह की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट जो है वो लेकर आता ही रहूँगा। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर, और वहीं पर चल के बाकी का इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से आउट किया गया है, और ये पासपोर्ट ऑफिस के अंदर ही वैकेंसीज हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आपको अप्लाई जो है वो करना है, विद इन 30 डेज आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं है। और इसी के साथ वैकेंसी जो आउट हुई है, कंसल्टेंट की वैकेंसीज हैं और अलग अलग लोकेशन वाइज है यहाँ पर जो वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसके लिए आपको अप्लाई जो है वो करना होगा। इसी के साथ अगर मैं बात करूं यहां पे जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं वो इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और इसके अंदर वैकेंसीज की बात करूं तो ऑल इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है कोई आपका एग्जाम नहीं होना है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटरव्यू होनी है, उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन यहां पे होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं एज लिमिट की, मिनिमम एज आपकी 18 है, मैक्सिमम 60 है, तो आप इसके अंदर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। प्लस यहां पे आपको एज रिलैक्सेशन 3 से 5 साल का है जो कि ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को दिया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दिया जाएगा, वो भी आपको आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिंक यहाँ पर मैंने आपको दे दिया हुआ है, यहाँ पर एप्लीकेशन पीडीएफ भी साथ में दी हुई है, वो भर के आप इनके दिए गए एड्रेस के ऊपर भेजेंगे। सारे के सारे लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चेक करके इसके लिए अप्लाई जो है कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। यह आज का नोटिफिकेशन है जो कि पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से आउट किया गया है। अब मैं आपको मिलूंगा नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।